हाय दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? एंड आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा फेवरेट प्रोडक्ट। लॉट ऑफ यू पीपल वर रिक्वेस्टिंग मी कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में एक सेपरेट रिव्यू ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। दैट इज़ The Purple 24K Gold Oil। आपने मुझे कई बार देखा होगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मेरी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस में। एंड यस, मुझे ये प्रोडक्ट बेहद पसंद है। दिस इज़ माय गो टू प्रोडक्ट, एंड स्पेशली अभी विंटर्स के लिए मैं हाईली रेकमेंड एंड सजेस्ट करूँगी कि ये फेशियल ऑयल आपके मेकअप किट में होना ही चाहिए। एंड दिस सूट्स ऑल दी स्किन टाइप। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इस प्रोडक्ट से क्या क्या हैक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यू नो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं करती हूँ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं क्या क्या यू नो हैक्स यूज़ करती हूँ घर में व्हेन आई डोंट हैव दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं इसी से कुछ ना कुछ ऐसे हैक्स हैं जो मैं यू नो कैजुअली मेकअप में भी यूज़ करती हूँ। तो आज मैं टोटल 7 हैक्स आप सबके साथ शेयर करूँगी, एंड आप भी ये हैक्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप इसे एट होम ट्राई कर सकते हैं। छोटू सा मिनी रिव्यू दे देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि क्यों ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मेरा फेवरेट है। फेशियल ऑयल के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, एंड आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने अभी देखा होगा, फेशियल ऑयल एंड सीरम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट यूज दैट, यू नो, अपने ब्राइडल्स को, क्लाइंट्स के ऊपर जो देते हैं वो फेशियल सीरम देते हैं, फेशियल ऑयल देते हैं, सो दैट उससे जो उनका मेकअप है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उनकी स्किन को स्मूथ कैनवस देते हैं वो, ऑल्सो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट बना देता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला हैक है, ये आपने काफ़ी देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हैक है, विच इज़ DIY स्क्रब। बट अगर आपके पास कोई भी स्क्रब नहीं है और आप स्क्रब नहीं खरीदना चाहते हैं बिकॉज स्क्रब्स महंगे आते हैं, या आप लो ऑन बजट है और आपको नहीं खरीदना है और आपको स्क्रब ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो आप ये DIY स्क्रब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज ये स्किन पे बहुत ही माइल्ड है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड वन आइटम, दैट इज़ शुगर, चीनी चाहिए। ब्राउन शुगर है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक बोल में लीजिए, चीनी डालिए, एंड देन यू कैन यू नो ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फेशियल ऑयल। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स डालना है, ज़्यादा मत डालना, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी काफ़ी ज़्यादा ऑयली सा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर लगाना है। ये आप यू नो चाहें तो आप ये डेली भी कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है या आपको कोई रैशेज या इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है इसे इस्तेमाल करने के बाद, तो यू कैन यूज़ इट लाइक डेली। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसे वीक्स में 2 बार ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से, एक तरह से कहूँगी, एक्सफोलिएट कर देगा। आपके जो डेड स्किन सेल्स होंगे उसको ये ईजिली हटा देगा, रिमूव कर देगा, एंड आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोई बनाएगा। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए, कहूँगी लाइक 1 or 2 मिनट्स के लिए, आप अच्छे से सर्कुलर मोशन मसाज देते रहिए, एंड देन यू कैन वॉश इट, या फिर आप कोई भी टावल लीजिए, उसे हल्का सा गर्म पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में सोक करके आप अपने फेस पे यू नो ईजली वाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं होता तो आप सिंपली ल्यूक वार्म वाटर से वॉश भी कर सकते हैं, या फिर आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं विद देयर स्किन केयर रूटीन, वो भी ये हैक ज़रूर करते ही हैं। सो दिस वन इज़ कि आप अपने मॉइस्चराइज़र को किस तरह से यू नो एक तरह से कह सकते हो कि ड्यूई बना सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे मॉइस्चराइज़र्स होते हैं जो ऑयल बेस्ड नहीं होते हैं, और स्पेशली फॉर द ड्राई स्किन पीपल, जब वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो उनको लगता है कि हमारी स्किन अभी भी यू नो एक मॉइस्चराइज्ड वाली फीलिंग नहीं आती, एक सॉफ्ट वाली फीलिंग नहीं आती, ग्लोई वाली फीलिंग नहीं आती। कोई भी मॉइस्चराइजर लीजिए जो आपको लगता है कि उससे आपके चेहरे में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, उसे आप ले सकते हैं, एंड देन आप इसके 2-3 ड्रॉप्स ऐड कीजिए और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। इससे क्या होगा,
आपकी स्किन बहुत ही ऑब्वियसली स्मूथ सपल सॉफ्ट लगेगी एंड ऑल्सो हाइड्रेट कर देगा एंड जो आपका मॉइस्चराइजर भी होगा काफी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा आपके फेस पर. मेरा फेवरेट हैक है, आपके पास कोई मैट फाउंडेशन है, बीबी क्रीम है जो आपको लगता है उसे अप्लाई करने के बाद बहुत ही ड्राई पैचीनेस से पड़ जाते हैं, केकी लगता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मिक्स इट विद योर फेशियल ऑयल. ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मैट फाउंडेशन है और यू कैन टेक बीबी क्रीम, ठीक है, बट मैं ले रही हूँ मैट फाउंडेशन. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप या तो अपने मैट फाउंडेशन के अंदर फेशियल ऑयल डाल सकते हैं एंड देन यू कैन यूज इट, या फिर कभी कभार के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ड्यूई लुक चाहिए, ग्लोई इफेक्ट चाहिए, इल्यूमिनेटिंग वाला चाहिए आपका फाउंडेशन, तो यू कैन यू नो सेपरेटली आप अपने हाथों में ले सकते हैं फाउंडेशन एंड देन यू कैन ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ योर फेशियल ऑयल एंड देन यू आर गुड टू गो. फिर आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा सा इल्यूमिनेटिंग लुक देगा, ये ड्यूई बना देगा आपके यू नो बेस को एंड ऑल्सो आपका जो फाउंडेशन भी होगा काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा. तो अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, बिल्कुल डल है चेहरा, तो आप फेशियल ऑयल को भी एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं. आपको फिंगर में लेना है, थोड़ा सा लेना अमाउंट एंड देन आप अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप अपना यू नो हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सटल ग्लो देगा. ये एक तरह से कहोगे कि नेचुरल विद इन ग्लो देगा अगर आप जस्ट फेशियल ऑयल अप्लाई करेंगे तो दिस इज एन अमेजिंग हैक, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो ये भी विंटर सीजन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है एंड हैक है. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर आई शेडोज होंगे शिमर वाले तो आप वो यूज कर सकते हैं और साथ में आप यूज कर सकते हैं पर्पल 24K गोल्ड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल फेशियल ऑयल. ठीक है, इसमें क्या करना है, सिल्वर या गोल्ड, ठीक है, दो शेड्स होते हैं जो हम मोस्ट प्रेफरेबली यूज करते हैं अपने स्किन पे टू ब्रिंग टू गिव आर स्किन दैट यू नो ब्यूटिफुल ग्लो, है ना. तो उसके लिए यही दो शेड्स होते हैं जो मैं यूज करती हूँ. आप एक गोल्डन शिमर यूज कर रही हूँ तो आपको क्या करना है, आपको इसमें मिक्स करना है, 2-3 ड्रॉप्स आप ऐड कर दीजिए, मिक्स इट वेरी वेल एंड देन आप इसे चाहे तो बॉटल में भी रख सकते हैं अगर आप रेगुलरली यूज करना चाहते हैं, बट जस्ट फॉर वन गो तो आप इसे बस हाथ में ही कर लीजिए एट द बैक ऑफ योर हैंड एंड देन आप अपने यू नो पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ब्यूटिफुल ग्लो देगा, कहूंगी कि गोल्डन गॉडेस ग्लो देगा. ये भी बहुत ही सिंपल हैक है, आप इसे डेली कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए भी अगेन फेशियल ऑयल की जरूरत है यहाँ पे. एंड अगर आपके पास आईब्रो जेल नहीं है, वैक्स नहीं है और आपके आईब्रोज यू नो जब आप आईब्रो फिल करते हैं और आपके आईब्रोज ऐसे खड़े खड़े से होते बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ये फेशियल ऑयल. आप अपने स्पूली में अप्लाई करके आप अपने हेयर को कूम कर सकते हैं, आप उसी पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपके हेयर होंगे वो एक ही डायरेक्शन पे फॉल होंगे. द मोस्ट ईजीएस्ट वे इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू नो इन्वेस्ट आईब्रो जेल में या वैक्स में, तो आप फेशियल ऑयल यूज कर सकते हैं. ये भी विंटर सीजन के लिए, अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा चैपी होते हैं, ड्राई होते हैं, मैं भी लाइक ऑयली हूँ, सेंसिटिव हूँ, तो मेरी भी लिप्स बहुत ज्यादा यू नो चैपी हो जाते हैं कभी कभार व्हेन यू नो वी पुट लॉट ऑफ लिपस्टिक, यू नो मैट लिपस्टिक ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं एंड देन उसको हटाते हैं तो उसके बाद मेरी जो लिप्स होते हैं ना फटने लग जाती है. सो वॉट वी कैन डू अगर जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लिप्स बहुत ज्यादा फट रही हैं, देन इफ यू डोंट हैव लिप बाम, इफ यू डोंट हैव लिप ग्लॉस, है ना, तो इन दोनों सिचुएशन में वी कैन यूज फेशियल ऑयल. सिंपली अप्लाई इट ऑल ओवर योर लिप्स, हल्का सा मसाज दीजिए एंड यू आर गुड टू गो. सो दीज वर दी ऑल टोटल 7 हैक्स दोस्तों जो आपको जरूर ट्राई करना ही चाहिए. इनमें से कुछ भी ऐसे हैक्स नहीं है जो आपकी स्किन को खराब करेगा, आई डोंट थिंक सो कोई है ऐसा, बट मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि स्पेशली अभी विंटर सीजन में आप जरूर ट्राई कीजिएगा इफ यू हैव फेशियल ऑयल. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये हैक्स यूजफुल एंड हेल्पफुल लगे हो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट. आप कॉमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आजकल, तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको
मेरी वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं. ऑल्सो डू हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.